आधी रात हुई बारिश के चलते दार्जिलिंग की पहाड़ियों में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की खबर है। भूस्खलन के कारण सेवक नजदीक कोरोनेशन ब्रिज के पास NH-10 और तीन धारिया करसियांग के पास NH-55 पर यातायात प्रभावित हुआ। वर्तमान में दोनों सड़कों को यातायात के लिए साफ कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सड़कें भी मुख्य रूप से करसियांग व उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों की सड़कें प्रभावित हुई है। मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाएगा। जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह जानकारी दार्जिलिंग के DM S पोनो बल्लम ने दी। ये लैंडस्लाइड हुआ रात का 12-1 बजे के भीतर में। हम उधर में 3 बजे उठा तो पूरा लैंडस्लाइड होके रखा था। मेरा बीवी उठ के देखा था, इसलिए बहुत रात में बहुत डर हुआ। इसलिए हमने बहुत सबको बताया था पहले, 2-4-5 साल आगे भी। अभी तक ये नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ। बहुत आगे से हम बताया था, 7-8 घर का है, 7-8 घर का बहुत डेंजरस है। ये घर जाने से सब घर जानेगा, ऊपर से नीचे में प्रोटेक्शन वाल नहीं देने से सब घर का डेंजरस हो गया। बहुत सामान लेके गया रात में, इसलिए हम पहले भी बताया था। अभी तक कोई भी नहीं आया। पहले पूरा आया, पंचायत से भी आया था नापने के लिए, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तक खाली नहीं दिया, आगे साल में दिया था 1 पॉलीथीन और कुछ नहीं दिया। भैया का वो मंदिर था छोटा, वो मंदिर भी चला गया। हमारा ड्रम और सब कुछ छोटा छोटा सामान था, सब कुछ रात में लेके गया, कहाँ गया पता नहीं। अभी सो रात में बैठ के कहाँ जाना है, कैसा है, सोने का भी चिंता है।